स्टूडेंट्स, आई मायरा, हिंदी टीचर ऑफ स्मार्ट एंड मॉडर्न स्कूल। सो क्लास फोर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संगति का फल। ठीक है, पार्ट 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये एक कविता है संगति। तो सभी को पता है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था कि संगति होती है साथ साथ, हमें अच्छा भी मिलता है और बुरा भी, बट हमें हमेशा जो है अच्छी संगति ग्रहण करनी चाहिए। तो चलिए आज हम संगति पर एक कविता पढ़ते हैं। था गुलाब का पौधा कहीं पर। यहाँ पर बच्चों एक पौधे की बात हो रही है कि था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। गुलाब के पौधे में जो फूल जो है सुंदर होते हैं, है ना बच्चों, सभी देखा होगा गुलाब का जो पौधा होता है बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं उसमें। लड़का एक वहां पर आकर, एक छोटा सा लड़का आता है, यहाँ देखिए लड़का आता है दौड़ता हुआ है, और वो सूंघा डेला एक उठाकर, वो एक डेला उठाता है, पत्थर उठाता है और उसे सूंघता है। महक रहा था डेला ऐसा, उसमें इतनी महक थी डेले में, तो ताजा फूल महकता जैसा, जैसा एक ताजा फूल महकता है। फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसने कहा कि वहां पर जो है फूल झड़ते होंगे, और वो झड़े हुए फूल को उस डेले पर गिरते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आएगा। आपको पता है ना बच्चों की अगर संगति होती है, हमें किसी का साथ मिलता है तो हम, अगर अच्छा साथ मिलता है तो हम अच्छे और नेक इंसान बनते हैं। अगर हम किसी की बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। बट वो फूल की खुशबू जो थी उस डेले, जब फूल पड़ते थे उस पर, फूल की पत्तियां गिरती थी तो वो उस डेले पर गिरती थी और वो डेला जो था क्या हो गया, सुगंधित हो गया, उन फूलों की खुशबुओं से महक उठा। उसने कहा इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। तो बच्चों चलिए बड़ा रीड करते हैं। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे इसमें सुंदर। लड़का एक वहां पर आकर, सूंघा डेला एक उठाकर, महक रहा था डेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। फूल वहां पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, इससे उसमें खुशबू आए, संगति का फल ऐसा भाई। तो ये कविता लिखी है अयोध्या से उपाध्याय। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोयम। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।